हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो अब आ गई है कमरे की सफाई। तो कमरे के साथ साथ हम और भी काम करेंगे। तो ये डीप क्लीनिंग हो रही है कमरे की भी, लेकिन देखो गंदा हो रहा है। तो मैंने कपड़े से साफ कर दिया है, तो इतना साफ नहीं हुआ है। ये बेड की ये धुलने के लिए हो रहे हैं, तो मैंने अभी तो ऐसे ही कर दिए हैं। तो सफाई हो रही है, सफाई अभियान ही चल रहा है। और इसके बीच में मैंने बनाए थे, फिर बनाऊंगी आगे, देखना आप क्या क्या बनाना है। और नहीं तो ख़राब हो जाता अगर नहीं बनाती। तो डीप क्लीनिंग हो रही है इसकी भी, तो करते हैं। सफाई अभियान चल रहा है और मेरा रूटीन, जैसे नाश्ता वास्ता हो गया है, अब तकिया के कवर वगैरह चढ़ाऊंगी सारे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और देखो फिर मैं कर लूँगी कॉलिन से अपने शीशे भी साफ। अगर शीशे साफ ना हों तो बड़े अजीब से लगते हैं, धब्बे धब्बे से हो ही जाते हैं। और बच्चे हमेशा हाथ छाप हैं, छोटे बच्चे होते हैं। काव्या मेरी ऐसे ही करती है। और सारी काली कॉलिन से, सॉरी, मैं अपने शीशों को साफ कर लूँगी। और इससे ही और सूखे कपड़े से बहुत अच्छे से साफ होते हैं। फिर मैं अपने सोफे वगैरह की भी, जैसे हो गई थी मेरी क्लीनिंग तो इसकी ड्राइंग रूम की, तो लेकिन ये सोफे वगैरह मैं हटा कर ही करती हूँ, क्योंकि सोफे के कवर अच्छे से सेट हो जाते हैं ऐसे हटा वटा के, और सफाई भी अच्छे से हो जाती है। और मेरी रोज़ की क्लीनिंग ऐसे ही होती है, ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा किया बस हो गया, लेकिन मेरी क्लीनिंग ऐसे ही होती है। और ये बहुत गंदे थे, ये भी मैं उतार दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें उतार उतार के ये बस धोने डाल दूंगी। तो हो रही है आज मेरी सफाई, तो सफाई अभियान स्टार्ट है अब भी, और हो रही है खूब जमकर क्लीनिंग। और इसे भी मैं धोने तो अभी तो नहीं डालूंगी, देखूंगी। और ये बहुत गंदा हो रहा है, तो फिर हो जाएगी। और इसके बाद बनाना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आ जाऊंगी दोपहर में, फिर मैं बनाऊंगी लड्डू। और देखो ये मेरा ना मावा ख़राब हो जाता, और ये मैं लाई थी अपने मायके से, तो इससे बनेंगे लड्डू। और इससे लड्डू 1 किलो मावे से देखो 50 लड्डू बन गए थे। तो कुछ बटने में हो गए थे और कुछ घर के लिए रख लिए थे। नारियल के बुरादे से बनाए थे मैंने, और ये नारियल का बुरादा, मावा और बूरा डाल दिया है मैंने इसमें, और इलायची डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी जो मुझे पसंद हो। और देखो मैं सब्जी भी बनाती जा रही हूँ। तो आज बनाए हैं मैंने करेले बनाए हैं, तो मैं करेले देख रही हूँ हुए हैं कि नहीं। और ये भरमा करेले हैं, तो करेले की सब्जी भी बना रही हूँ साथ के साथ। तो यही काम चलता है हम लेडीजों का, कि एक के साथ दो काम हो जाए। तो बनाएंगे लड्डू, अभी थोड़े देर रख दूंगी, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में से मावा निकाल कर कद्दूकस कर दिया था, तो बंद नहीं रहे थे। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से, तो लड्डू बन जाएंगे। नहीं तो मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रख सकती थी इसको, क्योंकि ये ख़राब हो जाता। तो बन रहे हैं मेरे लड्डू, और इतने टेस्टी बने थे ये लड्डू, अब तो ख़त्म भी हो गए, क्योंकि अब मैं बहुत, जैसे थोड़े दिन बाद डबिंग कर रही हूँ इसकी, और वीडियो जा रही थी मेरी क्लीनिंग वगैरह की। तो फिर मैंने लड्डू भी बना लिए थे, क्योंकि सबको खाने भी थे, मीठे का मन करता है। मैं मीठे की चीटा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद, मुझे चाहिए होता है। तो मैं लड्डू बना रही हूँ, और छोटे छोटे ही लड्डू बनाए थे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे। तो 50 लड्डू आराम से बन गए थे, मैंने बताया था आगे आपको। और किस किस के फेवरेट है मीठा, किस किस को पसंद है मुझे बताना। मेरा तो फेवरेट है, और मुझे खाने के बाद मीठा बहुत पसंद है। और देखो इतने सारे लड्डू बन गए थे, एक तो बटने में आ जाएगा काम, और एक घर के लिए रख लूँगी मैं। तो चार चार लड्डू भी बांटेंगे, तो हमारे कई घर हो जाते हैं। फिर बनाने लगी थी मैं चाय, और चाय की और बात कर रहे थे, तो फिर मैं सुनती भी जा रही थी। और ड्राइंग रूम है हमारा पास में, तो सब बातें करते भी जाते हैं, और ऐसे भी करते जाते हैं। तो फिर मैं पी लूँगी पानी, क्योंकि मैं थक गई हूँ रसोई में लगे लगे, और ऐसे काम करो ना तो फिर थक जाते हैं। तो पानी पी लेती हूँ मैं, रेस्ट ले लेती हूँ थोड़ा सा। फिर बच्चे आ गए थे शाम को, तो फिर मैंने बर्तन वगैरह मांज दिए थे। तो फिर आप देखना, बच्चे आ गए हैं तो छोटी सी भूख लग जाती है बच्चों को, तो क्या खाना है मम्मा। तो इनकी फरमाइशें स्टार्ट हो गई हैं, अब मैं आ गई हूँ तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको। तो रसोई में लग रही हूँ, और चाय वगैरह बन रही है, तो चाय भी दे देती हूँ। और अंकल जी आ गए हैं, तो चाय और लड्डू दे देते हैं। और अभी बने हैं लड्डू, तो ताजी ताजी लड्डू बने हैं, तो दे देते हैं। और फिर पूछेंगे अंकल जी से कैसे बने हैं लड्डू, तो बताएंगे लड्डू कैसे बने हैं। तो अच्छा लगता है अगर लड्डू वगैरह बनाए, और सबसे पहले बुजुर्ग खाते हैं तो अच्छा लगता है, और अपने से बड़ों
का आशीर्वाद भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। और देखो लड्डू रख रही हूँ मैं, और लड्डू बहुत अच्छे बताए थे अंकल जी ने, अच्छे बने हैं। और लग रही हूँ आज मैं दोपहर से ही। और फिर मैं पूछ रही थी अंकल जी कैसे लड्डू बने हैं, तो मैं हंस रही थी, अंकल जी कह रहे बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। लड्डू देखने में जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा खाए में अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छा है। और फिर मैं ये सरफ वगैरह देने जा रही थी, और ये टब आता है इसके सरफ के साथ, और ये 5 किलो सरफ मिलता है, एक 5 किलो सरफ होता है और टब होता है। तो मैं ये देने जा रही थी दीदी के यहाँ, तो दीदी ने मंगा क्या खाएं, तो फिर इनके लिए बनाने लगी थी। पहले तो मैं बर्तन बर्तन देख रही हूँ माँज दूँ, और देखना अब मैं बाद में इनके लिए, जैसे अभी अंकल जी वगैरह के लिए तरबूज और फ्रूट्स काट दूँगी, फिर उसके बाद हम तरबूज वगैरह काट लेंगे, फिर उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, तो हमारा लेजों का काम पूरे दिन नहीं निबटता और काम चलता ही रहता है। फ्रूट्स काट देंगे अब, और कट गए हैं फ्रूट्स तो दे आऊँगी। और देखो ग्रेप्स हैं, पपीता है और तरबूज है, तो काट देंगे फ्रीज में। और देखो फ्रीज भी मेरा अभी हॉच पॉच है, ज़्यादा सफाई नहीं है, तो मैं आ गई हूँ तो फरमाइश सब पूरी हो रही है। और देखो अब ये खराब भेल पूरी दिख रही नहीं है, और सब खा रहे हैं भेल पूरी, मैं भी खा रही हूँ। और कावे खा रही है, कावे को मिर्च लग रही है। कावे कैसी बनी है, इधर दिखा दे सकता है। और भेल पूरी खा रहे हैं सब, मुस्कान खा रही है उधर, सब खा रहे हैं भेल पूरी। और शाम का टाइम है और 8:15 है। नहीं खा रही मुस्कान दीदी को दे दे, मैं दे रही हूँ। और इसे और चाहिए, इसे अच्छी लग गई है, नहीं पहले खाती नहीं थी। कैसे बने खा वो, इसमें हरी चटनी पड़ी हुई है तो पता है। और आदि को चाहिए, और तो बना रही हूँ। देखो एक कटोरी रखी है तो डाल देती हूँ, इसको बना देती हूँ, बहुत अच्छी लगी है इसको। और सब्जी मेरी कटी रखी थी तो मैं डाल देती हूँ इसमें, टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, प्याज है, सब कुछ डाल दूंगी मैं इसमें। लाल मिर्च डाल दूंगी, अमचूर डाल दूंगी, और डाल देंगे हरी चटनी। इसमें हरी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आया है। और दिखाती हूँ कलरफुल भेलपूरी, मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ इसको ले जाने से पहले कैसी है। और ये हेल्दी होता है, और देखो ये दोबारा से बनाई है मैंने, और ये फिर खाएगा। ऐसे भूल गई थी बहुत तेज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और फिर बनाने लगी थी मैं खाना, दो खाने में बनाया है मैंने, दाल बनाई है मैंने, और पालक की रोटी बनाऊंगी, तो ये मैं खाना दे दूंगी तो सबके लिए। और ये है रात का टाइम, तो मेरा देखो रूटीन सुबह से स्टार्ट हुआ है और 9 बजे तक हो जाएगा, 9:30 बजे तक मेरा खाना हो जाता है, 9 बजे तक खाना वाना होके बर्तन बर्तन मच जाते हैं मेरा, तो हम रात का खाना इस तरीके से खा लेते हैं और जल्दी हो जाता है काम हमारा। और अब हम खाएंगे खाना चाची बेटी, तो फिर खा लेते हैं खाना। और आज है हरदनी की चटनी आम की, और करेला है, दाल है, खा लेते हैं। तो अब हम वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।